हेलो दोस्तों। आज आप सभी का सेकंड क्लास में लोशु विज्ञान की फिर से स्वागत है। एंड ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक्स पे बात की थी कि लोशु ग्रिड क्या होती है, नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होता है। आज हम सेकंड क्लास में बात करेंगे कि लोशु ग्रिड को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फिल कैसे करेंगे। ओके, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या जिस भी किसी पर्सन के बारे में आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे लोशु ग्रिड बनाएंगे। ओके, सो आज सेकंड क्लास का यही टॉपिक रहेगा। जो लोग सीखना चाहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जो भी वीडियोस आती रहेंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो बात करते हैं लोशु ग्रिड की। आप यहां देख रहे हैं वीडियो में, ये प्रीडिफाइंड लोशु ग्रिड है जो हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। ये नंबर फिक्स होते हैं, जहां लिखे हैं वहां वहीं लिखे होते हैं। तो हम एक लोशु ग्रिड आज बना रहे हैं जिसमें हमने विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ ली है। तो विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988। ओके, सो अब हम इन नंबर्स को इस वाली ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे। मैंने इसलिए एक ब्लैंक बॉक्स लिया है, ब्लैंक ग्रिड लिया है, जिसमें मैं आपके सामने फिल करके दिखाऊंगा कि इसे फिल कैसे करना है, एंड देन आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के उसे उसी तरह से फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है 5, विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले 5। इस ग्रिड में 5 कहाँ लिखा है? यहाँ। ओके, सो सेम वे हम यहाँ पे नंबर 5 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो उसके बाद आता है 11, विच इज़ 5 नवंबर। तो नवंबर इज़ 11, सो 11 में से एक और फिर से एक, दो बार एक एक आया है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ। क्यों? क्योंकि 1 और 1, जितनी बार 1 आता जाएगा वो इसी कॉलम में आएगा। ओके, जैसे कि 1 यहाँ पे लिखा है, तो जो नंबर जिस कॉलम में है वो उसी कॉलम में हमको लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। फिर से देखिए, एक और 1 आया 1988 में, एक और 1 आ गया, तो अब एक और 1 वापस से हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आया 9 कहाँ लिखा है? यहाँ पे 9 लिखा है इस वाले बॉक्स के अंदर, तो हम सेम वे यहाँ अपना 9 लिख देंगे। ओके, उसके बाद है 8 और फिर से 8, और 8 कहाँ पे? यहाँ पे इस जगह पर, तो 8 को हमें कहाँ लिखना है? यहाँ। और कितनी बार 8 है? 2 बार, तो हम 8 को 2 बार यहाँ पे लिख देंगे। ओके, पर ये ग्रिड अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये तो हुआ डेट ऑफ बर्थ जो हमारे सामने था, हमने वो नंबर वैसे के वैसे एज इट इज़ उठा के ग्रिड के अंदर फिल कर दिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 1111 आया, यहाँ पे 2 बार 8 आ गया, बट अभी ये भी कॉलम खाली है, ये भी कॉलम खाली है, ये 3 कॉलम भी खाली हैं। ओके, सो कोई भी डेट ऑफ बर्थ कभी भी मैंने तो आज तक नहीं देखी कि सारे कॉलम को फिल कर दें, हमेशा कुछ ना कुछ कॉलम खाली रहेगा, चाहे एक ही कॉलम क्यों ना खाली हो। कोई भी डेट ऑफ बर्थ ऐसी नहीं है मेरी नज़र में जो इन सब कॉलम को फिल कर पाए एक ही बारी में। ओके, सो देखिए ये सारी उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे फिल कर दिया, फिर भी अभी हमारे पास कुछ कॉलम खाली हैं। अब विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ में से हमें कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, विराट कोहली की नहीं, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसमें से हमें 3 एक्स्ट्रा नंबर निकालने होते हैं। उन नंबर्स के नाम हैं, मैं बता देता हूँ। पहला नंबर हमें निकालना होता है ड्राइवर नंबर, ड्राइवर को हिंदी में बोलते हैं मूलांक। ओके, दूसरा नंबर जो हमें निकालना होता है वो है कंडक्टर। ओके, कंडक्टर को हम बोलते हैं भाग्यांक। तीसरा नंबर है एंजल नंबर, एंजल नंबर को हम लोग बोलते हैं कुआ नंबर। ओके, सो ये 3 नंबर हमें इसी डेट ऑफ बर्थ में से निकालने हैं, जो कि आपको दिख रही है विराट कोहली की साइड में लिखी हुई है, विराट कोहली की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसी में से, इसी डेट ऑफ बर्थ में से हमको ये 3 नंबर और अभी निकालने हैं। अब वो कैसे निकालने हैं वो देखिए। ठीक है, ड्राइवर नंबर जो होता है मूलांक, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट जो एक्चुअल में डेट होती है, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो होती है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखा है तो हम 5 को एज इट इज़ ले लेंगे। ओके, सो ये हो गया ड्राइवर नंबर। बट इसी को थोड़ा सा और ब्रीफ में समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह, मान लीजिए यहाँ पे 5 की जगह 23 लिखा होता। ओके, मान लीजिए 23 डेट ऑफ बर्थ होती, तो हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2+3, मतलब पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 3, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। हमें कोई भी नंबर सिंगल डिजिट पे लेके आना है, 1 to 9 के बीच में आएगा वो नंबर, तो सिंगल डिजिट पे लाना है। तो देखिए 2+3 कितना होता है? 5। तो ड्राइवर बेसिकली 5 हो जाता अगर यहाँ पे 23 होता, तो अगर यहाँ पे भी 23 होता तब भी 2+3=5 आता। कोई और नंबर होता, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए 18 है, तो 18 का क्या बन जाता? 8+1, तो हो जाता 9, तो ये ड्राइवर हो जाता। ठीक है, सो यहाँ सिंगल डिजिट से इसलिए हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट डबल डिजिट में अगर डेट होगी तो उसको आपको ऐड करना है। कब तक? जब तक कि वो सिंगल डिजिट पे ना आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 2+3=5, ऐसे ही 1+8=9, ये एग्जांपल के लिए, इसे अभी फिलहाल भूल जाइए। ठीक
ठीक है। सो ड्राइवर हमने ले लिया 5। ड्राइवर सिंपली याद रखना है जो डेट ऑफ बर्थ का डे हो, जिस दिन आप पैदा हुए हैं उस डे को यहाँ पे लिख देना है। ओके, डबल डिजिट है तो ऐड करके लिखना है, जो मैंने अभी यहाँ समझाया था। सिंगल डिजिट है तो एज इट सिंगल डिजिट यहाँ आ जाएगी। ओके, बात करते हैं कंडक्टर नंबर की। कंडक्टर नंबर क्या होता है? कंडक्टर नंबर इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का। उसमें डेट भी है, मंथ भी है और आपका साल भी है। ये तीनों को आपस में ऐड कर देना है। ऐड कैसे करना है देखिए, यहाँ पे 5/11/1988 लिखा है तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं देखिए, 5 प्लस लगाते जाइए सबके बीच में, 5 + 11 में मतलब 1+1, ठीक है, क्योंकि 11 था तो 1+1 सबके बीच में प्लस लगा दीजिए। जितने डिजिट्स आपको दिखने सबके बीच में प्लस लगा दीजिए। तो मैंने 5 लिया यहाँ से, 1 यहाँ से, फिर प्लस, फिर 1 यहाँ से, फिर से प्लस, फिर 1 यहाँ से, फिर प्लस, फिर 9, फिर प्लस, फिर 8, फिर प्लस, फिर से 8। ओके, इन सब के बीच में मैंने पूरी डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब मैं इसका एडिशन करूँगा तो मेरे पास सिंपल से इसका एडिशन करके कैसे आएगा, देखिए 5, 6, 7, 8, 8 और 9, 17, 17 और 8, 25, 25 और 8, 33, तो कितना आया 33। इन सबको आपस में ऐड करते जाइए, कितना है 33। हमको जब तक ऐड करना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना मिल जाए हमको। ओके, तो यहाँ पे देखिए 33 आ गया, 33 को फिर से ऐड करेंगे 3+3। ओके, सो 3+3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6। तो तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। ओके, सो क्या आ गया फाइनली 6 क्या हो गया आपका कंडक्टर, विच इज़ योर भाग्यांक। ओके, जो विराट कोहली का भाग्यांक है। ओके, अब बात करते हैं एंजल नंबर की। एंजल नंबर कैसे निकालते हैं? एंजल नंबर के 2 स्पेसिफिक रूल्स हैं। ओके, मेल के लिए अलग हैं, फीमेल के लिए अलग हैं। तो पहले बात करते हैं मेल की। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये एक मेल कैंडिडेट की, जो कि विराट कोहली एक मेल कैंडिडेट है। ओके, सो कभी भी एंजल नंबर किसी का कैलकुलेट करना है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का ईयर पकड़ लीजिए। ओके, सिर्फ ईयर पकड़ना है और कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पे ईयर कितना है 1988। ओके, 1988 है, इसको आपस में ऐड कर लीजिए। कैसे करेंगे? वापस वही 1+9+8+8, इनका टोटल कर लीजिए। सो इनका टोटल आया 1 और 9, 10 और 8, 18, 18 और 8, 26। ओके, 26 आया, 26 को अभी सिंगल डिजिट पे ले जाना है। देखिए हर चीज़ को सिंगल डिजिट पे ले जाना जरूरी है। ओके, तो 26 को 6+2 कितना हुआ 8, ठीक है। अभी ये एंजल नंबर नहीं आया है। ओके, सो यहाँ पे आ गया 8, सो यहाँ पे 8 आ गया 26 का, ठीक है। अब जब कभी मेल की बात होती है तो जो भी नंबर आपको यहाँ मिला पूरा ईयर ऐड करने के बाद, ये जो पूरा ईयर है इसको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आपको मिला उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। तो 11 में से इस नंबर को माइनस कर दीजिए, तो कितना आया था 8, तो 11 में से हमने 8 को माइनस कर दिया तो कितना बचा 3, ठीक है। हमने क्या किया, एंजल नंबर के लिए हमने ईयर लिया, ईयर को एडिशन कर दिया पूरा, 1988 को पूरा ऐड कर दिया, कितना आया 26, 26 को सिंगल डिजिट तक लेके जाना है तो 6+2=8, ठीक है। 8 हमारा नंबर आया। मेल कैंडिडेट की बात हो रही है तो इसे हमने 11 में से माइनस करना है। जो भी आपके पास फाइनली एक डिजिट आई उसको आपको माइनस कर देना है, किसमें से 11 में से। तो 11-8=2 क्या बचा 3। तो ये बेसिकली क्या बन गया आपका एंजल नंबर। ओके, सो ये आपका बन गया एंजल नंबर। यहीं अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती, ओके, अगर यही डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल की होती, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ याद रखने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप एंजल नंबर की करेंगे तो आपको मेल और फीमेल ध्यान रखना है। ओके, सो मेल और फीमेल दोनों आपको ध्यान रखने हैं। फीमेल की बात करते हैं, लेट्स से कि 1988 फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। फिलहाल विराट कोहली को भूल जाते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखते हैं कि 1988 फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है। इसको वापस से ऐड करते हैं जो प्रोसेस ऊपर फॉलो किया था, 9+9+8, तो कितना आया था टोटल करके 8 आया था, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया 1988 का। तो हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 8 आया। अब जब मेल था तो उसे 11 में से माइनस किया था 8 को जो आया था हमारा, ठीक है, तो इजिकल टू कितना बचा था 3। ये हमारा हुआ था एंजल नंबर। फीमेल के केस में हम जो हमारा एडिशन करने के बाद आया ईयर का उसमें प्लस कर देंगे 4। ओके, तो हमारे पास क्या था 8, 8 में हमने क्या प्लस करना है 4। ये फीमेल्स के लिए, अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ हो तो आपको एंजल नंबर निकालने के लिए उसमें 4 ऐड करना है। मेल की हो तो उसे 11 में से माइनस करना है। ओके, तो 8+4=12, और 12 को और सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2+1=3। ओके,
सो ये आपका एक्चुअल में फीमेल का एंजल नंबर निकल के आ गया। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक पे वापस चलते हैं, क्योंकि हम विराट कोहली की बात करें तो हम सिर्फ मेल वाला कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा एंजल नंबर निकल के आया 3। ठीक है, अब हमारे पास तीनों नंबर आ गए, हमने ड्राइवर भी निकाल लिया विच इज़ 5, हमने कंडक्टर भी निकाल लिया विच इज़ 6, ओके विच इज़ 6, एंड हमने एंजल नंबर भी निकाल लिया विच इज़ 3। अब इन तीनों नंबर्स को हमें फिल कहाँ करना है, ऊपर चलते हैं इस ग्रेड के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले ड्राइवर आया था 5, तो हम ड्राइवर को फिल करेंगे कहाँ, जहाँ पे हमारा 5 नंबर लिखा जाता है, हमने वहाँ पे एक और 5 लिख दिया। ओके, बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर हमारा कितना आया था 6। ओके, कंडक्टर हमारा 6 आया था, 6 देखिए कहाँ लिखा है, देखिए इस ग्रेड में यहाँ लिखा है, तो सेम 6 को हमें इस ग्रेड में यहाँ लिखना होगा, तो हमने 6 को यहाँ फिल कर दिया। ओके, लास्ट जो हमारा एंजल नंबर आया था, एंजल नंबर हमारा कितना आया था, सब कुछ कैलकुलेशन के बाद 3 आया था, 3। ओके, 3 देखिए कहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 को एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जाके ये ग्रेड हुई है कंप्लीट। ओके, सो विराट कोहली